हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय परीक्षा ब्लॉग चैनल। दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण के जन्म स्थल मथुरा में, और यहां पे हम आपको दिखाएंगे कि यहां पे रोड का जो व्यू है वो नाइट में और डे में किस तरीके से दिखता है। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग मथुरा कृष्ण जन्म स्थल के उस जगह पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर श्री कृष्ण जन्म स्थल के मुख्य द्वार है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसी रोड पर, और अभी दिन का समय में आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकान से भरी हुई है, और इस साइड और राइट साइड दोनों ओर दुकानें ही दुकानें आपको नज़र आ रही होगी, है ना। दोस्तों रोड काफ़ी साफ सुथरी है, और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि बाइक और स्कूटी की पार्किंग आप रोड के एकदम बीचों बीच देख सकते हैं। दोस्तों अगर मंदिर की इतिहास की बात करूँ तो इस मंदिर का निर्माण चौथी बार में किया गया। पहली बार में जब इसका निर्माण किया गया था तो उस समय सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसे तोड़ दिया। फिर दूसरी बार में मोहम्मद गजनवी आया, उसने भी इसे तोड़ा। फिर तीसरी बार में मुगल के शासक में उन्होंने भी इस मंदिर को तोड़ा, पर चौथी बार में इसका निर्माण राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया। तो दोस्तों आपने दिन के वक्त देखा कि मंदिर जाने का रास्ता किस तरीके से था, और अभी चलिए रात के वक्त देखते हैं कि, तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि दिन में जैसा चमकता हुआ नज़र आता था, वैसे रात में भी लाइटिंग की वजह से यह रोड काफ़ी अच्छा दिखता है। दुकानें भी लगी हुई है, दुकानों में भी लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था है। मंदिर की अगर बात करूं तो मंदिर खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक रहती है। इस बीच भगवान को 12 बजे के करीबन भोग लगता है, तो उस वक्त 1 घंटा के करीबन मंदिर का कबाट बंद रहता है।